सरेआम में आ गए और प्रेस के प्रेस में खड़ा हो गए सारे काम, क्या दो दिन हाथ लग गया था और फिर भी लोगों की वोट देने लग रहे हैं। सबसे अगर कोई जीरो कैंडिडेट है ना, सबसे जीरो कैंडिडेट वो रघुवीर सिंह का ध्यान है, उससे जीरो कैंडिडेट एक भी नहीं है। जीप के ना पक्का कथी बलडोजर तो ला रखा है, पाट जाए जड़ तो पाड़ा है। काम कुम कुछ ना हुए, कोई काम नहीं है, कति न्यू मान ले विधवा जी सा काम हो रहा अच्छा रहा है। देख लो भाई जोड़ा गयाल, देख लो गोड्डा गोड्डा का ही है जोड़ा मत है, बहुत बुंडा हाल हो रहा है। जी हाँ, इस समय मैं मौजूद हूँ बेरी में और मेरे साथ हैं भाजपा के प्रत्याशी संजय कबलाड़ा, जिनका छारा के ऐतिहासिक गांव में जोरदार स्वागत हुआ है। बारिश के मौसम के बावजूद भी यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। संजय कबलाड़ा को फूलों की मालाओं से लाद कर जोरदार स्वागत किया गया है। प्रचार अभियान जोरों पर है, संजय भाई क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए संजय भाई, आप लोग देख रहे हैं आज कार्यक्रम की पहली शुरुआत है सारा गांव से जी। जिस तरीके का माहौल, आप लोग पत्रकार साथी हो, सरपंच साहब मेरे साथ खड़े हैं और जिस तरीके से लाड प्यार आज सारा गांव देने का काम कर रहे हैं आप धर्मशाला तक, और मेरे को महसूस हो रहा है आज, मेरे को लग रहा है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में 24 के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होगा और लोगों ने मन बना लिया है कि जो लोग ये पट्टा लिखवाए हुए हैं, इस पट्टे को तोड़ने के लिए, जो 40 साल का पट्टा यहाँ लिखवाया हुआ है उसको तोड़ने के लिए आज लोगों ने मन बना लिया है। और मन बना करके लोगों ने ये फैसला कर लिया कि 24 तक जब वोट पड़ेंगी तो जनता अपना बटन दबा कर कमल के फूल को जिता कर विधानसभा में भेजना काम। 30 साल बहुत लंबा समय होता है, मैं देख रहा था आते हुए रोड़े की दुर्दशा मैंने देखी, जोड़ों की दुर्दशा मैंने देखी। रोड और जोड़ ये गांव की और क्षेत्र की पहचान होते हैं, लेकिन लोगों में एक शायद संजय कबलाड़ा का इंतजार था कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए और इस 30 साल के खूटे को पाड़ दे, कितना आत्मविश्वास है? देखिए 10 साल में पर्ची और खर्ची खत्म करी और अब जो बेरी हल्के की बहादुर जनता ने फैसला लिया है, अब जो 40 साल का पट्टा है उसको भी तोड़ने का काम करेंगे। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी है डॉक्टर रघुवीर कादड़ जी, वो भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगने का काम कर रहा है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे बुजुर्ग हो कि आप 6 बार विधायक रहे इस बारी हल्के के, ये अपना हिसाब देने का काम करें ना कि भारतीय जनता पार्टी का हिसाब मांगने का काम करें। अपना हिसाब दे दो मेरे को, 6 बार इन लोगों ने, इस बहादुर जनता ने बेरी की आपको विधायक बनाया, आप कहाँ गए, किससे मिले? जिस तरीके से लोग यहाँ तंग है आज, जिस तरीके से बोल रहे हैं आज लोग डॉक्टर रघुवीर से हिसाब मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं। और डॉक्टर रघुवीर से जब वोट पड़ेंगी और जिस दिन गिनती होगी उस दिन डॉक्टर रघुवीर का हिसाब लेने का काम बेरी हल्के की बहादुर जनता करेगी। संजय जी आखिरी सवाल है मेरा, कुछ विरोध है जैसे कुछ आपके आप ही पार्टी के साथी कार्यकर्ता है, उनको मनाने का कितना क्या लग रहा है आपको विरोध को लेकर? विरोध नहीं है जी, जिन साथियों को जाना है वो चले जाएंगे, जिनको पार्टी में लड़ना पार्टी काम करेंगे। और सब साथियों से मेरी बात चल रही है और आज मीटिंग है बेरी सब साथियों की, शाम तक सारा पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा और कंधे से कंधा मिलाकर सारा साथी चुनाव लड़ने का काम। क्या कहना चाहोगे बेरी हल्के के वासियों को, क्या कहना चाहोगे आज प्रचार की शुरुआत है? मेरी बेरी हल्के की बहादुर जनता से एक अपील और प्रार्थना है कि अब की बार बदलाव जरूरी है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सरकार जरूरी है। और आपका बेटा, आपका भाई, आपका नोगा मेरा बेटा सारा का भाई आपके बीच में आया है। और एक वो भजन है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, बेरीवाड़ी ने बुलाया हूँ। और बेरीवाड़ी के आशीर्वाद से, माता रानी के भीमेश्वरी देवी के आशीर्वाद से, जिस तरीके का माहौल आज बेरी हल्के में आप देख रहे हो, इसी को आगे बढ़ करके ये जनता 24 का चुनाव जो अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा में भेजना। रोड बने ना कुछ ना होया, 10-20 साल हो गए हमारे, वो आप दुबल दने जाके देख लो जो उसका काम है। हाँ। पूरे रोड ना बन रहे, कुछ भी कोना बेरी का बस अड्डा देख लो आप जाके, सारा में देख लो जी रोड टूटे पड़े हैं, गांव वाला ने निकलने की दिक्कत हो रही है, बाहर की ट्रैफिक की तो आप छोड़ो, हमारा जोड देख लो, पानी पीने के लायक नहीं, वाटर सप्लाई अरे एक एक हफ्ते में पानी आवे जी, काम की थे 30 साल का विधायक है तो काम तो ना हुए, फिर भी जिता दे उसने। हाँ जी मजबूरी हो जाए लोगा की, पिछली बार तो नु कहता मेरा आखिरी चुनाव है। हाँ जी फिर इबके ने फिर आखिरी हो गया जी, और अगली बिरा फिर आखिरी हो जाएगा। हाँ हम ब्याह दिए जी इसके बेरी। अच्छा हाँ फिर भी नया पहलवान आया है कबलानिया किसा है
देखो जी, जनता का क्या रुख होगा, अपनी वोट तो पूरी कोशिश करेंगे जी। राम राम भाई, संतराम राम राम भाई, क्या करोगे इनके ने भाई? हम के कराने बता, हम तो भाई सारी अणवोट दिया। हाँ, पर काम मारे उनते हैं कोने अड़े गांव के काम ने, हमारी तरफ से 100 का 100 बदलांगे भाई। पक्का पक्का है भाई, इनके ने बदलाव है जी, छक लिए जी। अच्छा, हाँ 5 साल में जी, एक 20 दिन आओगा, 5 साल हुए कित गांव में कोई भी ना पहला मुंह कान आया करता, वो भी बंद कर दी मुंह कान देनी भी। और काम तो जी घने हो हल्के के, कोई काम ना करते आके कोई मतलब पूछ दे। राम राम भाई। राम राम भाई, के नाम भाई? मेरा नाम मोनू सैनी है। के करोगे इनके ने छारा में? छारा में भाई बदलाव कर की उम्मीद हो जाएगा। अच्छा, तो 30 साल का भाई तो गड्ढ रहने पाड़ेंगे, सदा की किसी ग्रही है भाई। हाँ। बदल जाएगा प्रोग्राम, पाड़ोगे? पाड़ दे भाई, भाई उम्मीद सर कोशिश है। अच्छा, वो आगे परमात्मा जाने भाई। हाँ। काम कुम करो है के मैं? भाई के काम कुम, गांव तो बुझ लो, काम कुम काम का कोई चक्कर कोना भाई। अच्छा, काम होनी है, होते भी होंगे, बाकी मन लगता कोई ना कोई किसी क्यों है। गांव वाले चंदा लेने जा बोला धरती नाम करवा दे, अनु करवा दे, इस तरह के जवाब से यार ये कोई अच्छी बात कोनी। अभी चुपण में आया था छरा की मैंने बता, आखिरी चुनाव है और बर के ले भाई उधर, फिर 80 साल की उम्र हो ली, आदमी खुद भी शर्माया, अगर दूसरे नौजवान ने मौका दे हम भी साथ लगा तो ये बात थोड़ी हो भाई। इसका हमारी ओर से चांस खत्म हो रहे हैं, और आगे देखो पब्लिक जाने अपनी ओर से, पर्सनली तो हमारे गांव में तो बहुत घनी खिलाफत है इसकी। वोट देंगे कौन सी पार्टी की दोगे? बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। अच्छा, काम नहीं है जी कोई भी, कुछ भी ना हो रहा। आप देख लो, आप तो आए हुई रामद उतरे हो, देखे गाड़ भी देखी, संजोड़ भी देखी से, रोड़ा बकोरडी भी देखी होंगी आपने, न्यू की न्यू पूरी, कोई सफाई नहीं, गोंडिया में सफाई नहीं, रोड़ा सफाई नहीं, कीकर न्यू की न्यू मिली खड़ी है। आड़ी वोट मांगने आज है, न्यू देखना हम ते नहीं, को काम होया है या नहीं हुआ, जावा जब न्यू का देवले हम की करा, फिर भी बन जाए पांच पांच छह। हाँ बन जाए, करा के जब एकता कोई ना भाई। छारा की बात करांगे, क्या हाल है छारा का और किस तरह के माहौल है भाई? छारा की जो समस्या की बात करो, छारा में समस्या भंडार है। अच्छा, अरे तो इनू मान लो मारी तो लगभग मारी उम्र होली 38 साल। हमने तो छारा गांव में जोड़ का हाल देख लो, मरे का के बूंदे तुम्हारे जोड़ा गया हो रहे हैं। दूसरी सब तो मोटी समस्या छारा की किलाबंदी की, किलाबंदी की पाछले जब स्टार्टिंग में हुड्डा साहब आए थे, जब हुड्डा साहब ने वोट के गए थे, वह छारा ही किलाबंदी कर देंगे। छारा ही किलाबंदी सब तो बड़ा गांव है हल्के का, और आते ही छारा ही किलाबंदी होली हो तो वह देख लो। ऊपर तो छारा गिर रखे एग्रीकल्चर जोन में, एग्रीकल्चर जोन में छारा गिर, छारा पड़ोस के जितने भी गांव है ना, सारे गवांडा की जो जमीन की कीमत है वह 1 करोड़ तो ऊपर है। छारा की कीमत है जो रमेश दलाल मुआवजा दवा गया, छारा में 1 करोड़ कर, 1 करोड़ के हिसाब से मुआवजा मिल गया तो 4 गुना के हिसाब से मिल गया, तो उसके हिसाब से नहीं देख लो 27 लाख रुपया छारा है किले की जमीन है, किले की कीमत है, जब किले की कीमत 25 लाख रुपये 27 लाख रुपये इस हिसाब से सारा मुआवजा मिले, और पड़ोस के किले 1 करोड़ रुपये के बेकन लाग रहे हैं, तो सारा क्या हालात आप देख लो के हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है इसके लिए, तो उन्होंने कराया था एग्रीकल्चर जोन में, उन्होंने घेरा था वो के छारा है दिखे उन्हें एक एग्रीकल्चर जोन में गिरने के, उन नाड़ प्रेस में आड़े खड़ा हो गए कही थी छारा ही किलाबंदी करवाऊंगा, छारा ही किलाबंदी 10 साल तो उड्डा के गए, 10 साल ही बीजेपी के जा लिए, छारा ही किलाबंदी नहीं होली ना खेता गिरा, रोज लोग सिर फूटते हैं। फिर प्रत्याशी जब आवा उसका ये बात रखते नहीं आप? प्रत्याशी अगर जब सूदी सीएम साहब दौरे जा ली, जब उन्हें तो समाधान ना है, प्रत्याशी क्या करेंगे उसका? वोट तो सीएम के नाम तो दे, हुड्डा के नाम तो दे आप, बस या लोग पट्टी बंदी रहे, जो ओरिजिनल समस्या उन समस्या ने इतना समझते ना, कोई ना करवा करा जी, कोई ना करवाता समस्या का समाधान को ना, हाय हाय चाहिए बस।